वालेकुम, एक न्यू रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं चिकन मोमोज। मोमोज भी कहते हैं, डम्पलिंग्स भी कहते हैं। एक कप बड़ा मैदा ले लेंगे, 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे हार्ड सा गूंद लेंगे थोड़े से पानी के साथ। हार्ड सा गूंद के हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हमारी चिकन फिलिंग के लिए एक बाउल हमने चिकन लेना है, प्याज लेनी है। इंग्रेडिएंट स्पाइसेस के अंदर हमने ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, चिकन पाउडर, रेड पेपर, सोया सॉस, सिरका, इन सब चीज़ों को आप डाल के कीमा बना लेंगे मशीन के अंदर। इस फॉर्म में आ जाएगा। हम छोटा सा पेड़ा लेके एक चपाती पतली सी बनाएंगे। पतली सी चपाती बनाने के बाद हमने इसको ग्लास से सर्कल कट कर लेने, सारे सर्कल एक साथ कट करके उन पर खुशका डाल दें ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। आपके सामने ये देख रहे हैं आप। और फिर एक सर्कल उठाएं और उसको भी बेलन से बेलें, पतला करें और अच्छी तरह से पतला कर लें बेलन से, जितना पतला हो सकता है आपसे। फिर इसके कॉर्नर्स पे हमने पानी लगाना है। सेंटर के अंदर हमने चिकन फिलिंग रखनी है। आप चिकन फिलिंग सेंटर में रख के फिर आप इसको डी की तरह प्रेस कर दें और जो कीमे के समोसे जिस तरह बनते हैं वैसे आप डिज़ाइन बना लें। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के मोमोज बनते हैं। अब एक ये डिफरेंट स्टाइल का, ये डम्पलिंग के स्टाइल का मैं आपको दिखा रही हूँ। किनारों से कुछ पोटली स्टाइल के बना लें, जो आपको इजी लगे। और मेरे पास स्टीमर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़े पतीले में 2 ग्लास पानी डालें। चावल छन्नी आपके हर घर में होती है, उसको आप ग्रीस करें और उसमें अपने मोमोज रख दीजिए। और 15 मिनट के लिए धीमी आंच के ऊपर हमने इसे पकाना है। बहुत टेस्टी रेसिपी है। आप इसके हो चिल्ली गार्लिक सॉस के साथ भी सर्व करें, केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं और सोया सॉस के साथ भी। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्नैक भी अच्छा लगा होगा। टेस्टी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मोमोज। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।